नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। कल रात से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। वो वीडियोस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की वीडियो हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं और कल से इन वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। इन वीडियोस को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने चुप्पी तोड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों पर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बोला ये भी बताएंगे। आखिर इन वीडियोज की सच्चाई क्या है ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या फैसला लिया है इन वीडियोस को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से क्या कुछ अपील की है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों तक सच्चाई पहुंच जाए। फिलहाल आइए हम आपको पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। कल रात से वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन वीडियोज़ को लगातार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के विरोधियों द्वारा लगातार शेयर किया जा रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से पैसा लेकर आए हैं और उनकी गाड़ियों पर चल रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है इन वीडियोज़ में, पर जो सच्चाई है अभी तक तथ्यों के साथ सामने नहीं आ पाई है। जो तमाम विरोधी हैं वो विरोधी इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये भीम आर्मी की तरफ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल एक कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने, एक पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बगावत की है और तमाम षड्यंत्रों के तहत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची गई है। ये दावा भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इन वीडियोज़ को लेकर अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से कुछ बातें बहुजन समाज के लोगों के बीच पहुँचाने की कोशिश की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहले तो कल रात में ही पूरी मध्य प्रदेश की जो कमेटी है, बूथ से लेकर, प्रदेश से लेकर बूथ तक की, जो भंग कर दी और नई कमेटी, नई टीम तैयार की जाएगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही वीडियो वायरल हुई उनके 3 मिनट बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए, आजाद समाज पार्टी के काशीराम की तरफ से ट्वीट किया गया और उसमें साफ साफ लिखा गया, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम के संगठनों को प्रदेश संभाग जिला विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान की प्रदेश व जिले की समस्त कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाता है। आप देख सकते हैं अब चंद्रशेखर आया ने आज थोड़ी ही देर पहले भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज से कुछ बातें लिखी हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। चंद्रशेखर आया ने साफ साफ लिखा है, आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी दलों के इशारों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैं अपने बहादुर योद्धाओं से कहूंगा सतर्क और सावधान रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। राजस्थान में आपका संघर्ष एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आपके संघर्ष की जीत होगी। दुश्मन के षड्यंत्र से घबराना मत, साजिश उनके खिलाफ होती है जो ताकतवर होते हैं। याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आपका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने उन तमाम जो घटनाक्रम को देखते हुए साफ कहा है कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आपके सामने भी आ सकता है। इस तरीके का संकेत हम समझ सकते हैं। फिलहाल भीम आर्मी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या रचा जा रहा है वो देखने हुआ। जो वीडियो हैं वो तथ्यों के साथ किसी भी आधार पर ये अभी सामने नहीं आ पाया है कि उन वीडियोस के माध्यम से कह सकें कि भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों ने पैसा लिया है भाजपा से। कोई भी घटनाक्रम अगर उठता है तो हम आपके बीच भी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से रखेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कहा है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है और राजस्थान में आजाद समाज पार्टी नया इतिहास रचने जा रही है और आजाद समाज पार्टी के खिलाफ इसीलिए तमाम बड़ी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश के जो साथी हैं वो सच्चाई कमेंट में बताएं जिससे कि हम समझ सकें और हम क्या मामला चला है वो भी समझ सकें। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बातें कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर वो मैंने आपके बीच रखी।